Then, of units, publics, जो होते हैं, वो बहुत लार्ज होते हैं साइज में और ये एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो परचेज करते हैं वेरियस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो स्मॉल और एंसलरी यूनिट्स होती हैं उनसे तो जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है अगर वो ग्रो करेंगे तो जो आपकी एंसलरी यूनिट्स हैं कंट्री में वो भी ग्रो करेंगी और ज्यादा से ज्यादा जो इंप्लायमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो जनरेट होंगे नेक्स्ट इज रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक्स जो पब्लिक सेक्टर है वो इस चीज में भी हेल्प करता है कि जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए जो बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं वो सेटअप ही इसलिए किए जाते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स जो सिक हो गई हैं उनको टेक ओवर कर लिया जाए और गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स को टेक ओवर भी किया है सिर्फ इसलिए कि जो एम्प्लॉयमेंट है या जो प्रोडक्शन है उस यूनिट की उसे कॉन्टिन्यू रखा जा सके नेक्स्ट है हमारा इवेलुएशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को पब्लिक सेक्टर का इंडिया में कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है डिफरेंट प्लान में प्लान वन से लेके जो एट प्रेजेंट चल रहा है तो जो इवेलुएशन है पब्लिक एंटरप्राइजेस का वो हम दो हेड्स में स्टडी करते हैं पहला कि जो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की और दूसरा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या डिफेक्ट्स हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये जो टेबल है वो उसे सेल्फ एक्सप्लेन करता है इन्वेस्टमेंट जो हुआ है नाइनटीन एटी एटी वन से लेके जब हम देख रहे हैं और टू थाउजेंड सेवेंटीन एटीन में देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट एट्टी वन में था वन एट टू जीरो में था माइनस टू जीरो थ्री और टू थाउजेंड सेवनटीन एटीन प्लस में है वन टू एट थ्री सेवन फोर इंक्रीज हो रहा है नंबर उसको डिफरेंट इस में इंक्रीज देख रहे हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एटी में नेगेटिव में था और वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुआ इंक्रीज uh, हुआ बीच में फिर डिक्रीज हुआ लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं उसे एटी से तो उसके कंपैरिजन में वो इंक्रीज है दैट इज 5.65 नो डाउट उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है उसका रीजन ये है कि उसका जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है सोशल वेलफेयर के लिए नेक्स्ट जो हमारा है इसमें दैट इज मेन डिफेक्ट्स क्या है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के या क्यों जो प्रॉफिटेबिलिटी है पब्लिक सेक्टर में वो लो है उसके क्या कॉजेस हैं उसके क्या रिजन हैं सबसे पहला है लैक ऑफ एफिशिएंसी जो एफिशिएंसी है पब्लिक एंटरप्राइजेस की वो लोअर है एज कम्पेयर टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस इसके बहुत सारे रीजन है कुछ रीजंस क्या हैं कि जो मैनेजर्स हैं या ऑर्गेनाइजर्स हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस के वो फुली कमिटेड नहीं होते दी ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ एंटरप्राइजेस वो अपनी होतेबिलिटी से दूर भागते हैं रेड टेपिज्म होता है डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा लंबा टाइम लेता है जिसकी वजह से जो एफिशेंसी है वो सफर करती है जब आप टाइमली डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या आपको ब्यूरोक्रेसी से जो है, जो है उलझना पड़ रहा है तो उस केस में जो एफिशिएंसी है वो अपने आप कम हो जाती है देन नेक्स्ट इज योर पुअर मैनेजमेंट जो लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट है वो भी एक ड्रॉबैक है पब्लिक एंटरप्राइजेस का जो पॉलिटिशियंस है या जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है मैनेजेरियल पोस्ट पर और जबकि ये जो पॉलिटिशियंस है उन्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता मैनेजमेंट का और जिसकी वजह से जो आपके एंटरप्राइजेस हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रहे नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव पब्लिक एंटरप्राइजेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो सोशल वेलफेयर होता है उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप नहीं रखते हो तो सोल ऑब्जेक्टिव जो उनका माना जाता है दैट इज सोशल वेलफेयर उन्होंने करना है जिसकी वजह से जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं अपने प्रोडक्ट्स को रेड्यूस प्राइजेस पर भी बेचते हैं ताकि जो इकोनॉमी है उसे स्ट्रेंथन किया जा सके और जो प्राइस पॉलिसी होती है पब्लिक सेक्टर की वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होती जिसकी वजह से जो, जो उनका प्रॉफिट है, वो कम रहता है नेक्स्ट इज योर लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है लार्ज स्केल होते हैं कैपिटल इंटेंसिव होते हैं तो उनका जो गेस्टेशन पीरियड है वो बड़ा होता है गेस्टेशन पीरियड का मतलब है कि कितना टाइम का डिफरेंस है जब उन्हें एस्टेब्लिश किया गया है और जब वो एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन अगर गेस्टेशन पीरियड ज्यादा होगा तो आपकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी और प्रॉफिट्स कम होंगे देन नेक्स्ट इज ह्यूज ह्यूज कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं वो लार्जली एस्टेब्लिश होते हैं सिटी लिमिट से बाहर न्यू प्लेसेस पे जैसे भिलाई रा, राउरकेला दुर्गापुर पिंजौल ये न्यूली एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल टाउन सेटअप करने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है और ये जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम होते हैं नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पब्लिक सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं नॉर्मली इंडल्स होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर वो ज्यादा इंडल्स होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में डिस्प्यूट वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में रेगुलर फीचर है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का और जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो इफेक्ट होती है आपका आउटपुट कम आता है और कॉस्ट हाई होती है नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ लोकेशन जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है वो तो हमेशा वहां पर अपने आप को एस्टेब्लिश करेगा जहां पर उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा लेकिन जो आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें वहां पर एस्टेब्लिश किया जाता है जहां पर जो है रीजनल बैकवर्डनेस है बैकवर्ड एरियाज में उन्हें आप इसलिए एस्टेब्लिश करते हो ताकि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो सके जिसकी वजह से जो इकोनॉमिकल वायबिलिटी है एंटरप्राइजेस की वो आपकी कहिए कि ओरिजिनेट नहीं हो पाती है तो जो कॉस्ट फैक्टर है उसकी वजह से भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है आपकी कम होती है और इसके बाद भी जो आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं कई बार पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो ये कहते हैं कि आप उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसे जो है एस्टेब्लिश कीजिए जबकि वहां पर उसे एस्टेब्लिश करना इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता है दे नेक्स्ट इज यो ओवर स्टाफिंग भी एक वेल नोन फीचर है पब्लिक एंटरप्राइजेस का आपका जो सैलरी uh, जो देनी है आपने वो तो ज्यादा जा रही है लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी कम आ रही है तो जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वर्कर्स की वो जीरो होती है या इवन नेगेटिव भी होती है इन में इज़ योर हैसिबल स्टाफ जो पब्लिक सेक्टर है उसमें जो वर्कर्स होते हैं इनडिसिप्लिन और करप्ट जो है उनका फीचर होता है हार्डली कॉन्शियस होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए क्योंकि जॉब सिक्योर है तो वो इनरेस्पॉन्सिबल बन जाते हैं प्रमोशन एफिशिएंसी के बेसिस पे ना होके बेसिस पे होती है तो जो प्रोडक्टिविटी है उनकी अपने आप कम हो जाती है देन नेक्स्ट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उनकी जो जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उससे कम में वो जो यूज है प्रोडक्शन कैपेसिटी का करते हैं इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है जैसे लैक ऑफ रॉ मटेरियल है या ट्रेंड पर्सोनल नहीं है या लैक ऑफ डिमांड है लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी या इन मैनेजमेंट है आपकी तो उसकी वजह से भी जो ये एंटरप्राइजेस है वो हाई रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट पे जनरेट नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट इज हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो जो आउटपुट है पब्लिक एंटरप्राइजेस का वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू जितनी आप उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो तो जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो बहुत ज्यादा हाई है एक तरफ तो लो प्रोडक्शन है इन एंटरप्राइजेस की और दूसरी तरफ जो प्रोडक्टिविटी है कैपिटल की वो भी कम रहती है और जिसकी वजह से पब्लिक जो हैं वो एडवर्सली इफ़ेक्ट होते हैं देन ओवर कैपिटलाइजेशन बहुत सारे ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं जैसे हेवी इंजीनियरिंग ऑपरेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो ओवर कैपिटलाइज है इनके ऊपर ह्यूज लाइबिलिटी है किस चीज की इन्हें इंटरेस्ट पेमेंट जो करनी है अपने जो इनके रिटर्न्स है वो इन्हें नहीं मिल पा रहे हैं लेकिन लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज ज्यादा है तो जो मशीन्स है वो बेकार पड़ी है जो रिजल्ट है उसका क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है नेक्स्ट हमारा है दैट इज मेजर्स क्या है सजेशंस क्या है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया या रिफॉर्म्स क्या है जो पब्लिक सेक्टर में होने चाहिए सबसे पहला है सेक्टर कॉपोरेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी है उसने ये कहा कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उन्हें हमें डायरेक्टली कंट्रोल में रख करना चाहिए अंडर सेक्टर कॉपोरेशन मतलब हर एक जो इंडस्ट्री है उसके लिए आप एक कॉपोरेशन बना दो जैसे फर्टिलाइजर की जो सारी एंटरप्राइजेस हैं उन्हें एक सेपरेट कॉपोरेशन के अंडर ले आओ जो इंजीनियरिंग की एंटरप्राइजेस हैं उन्हें एक सेपरेट कॉपोरेशन के अंडर ले आओ इससे क्या होगा एक तो आपको इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल होगी और दूसरा आप ज्यादा रिसर्च कर सकते हो अपन, अपने जो इंडस्ट्री है उसमें जो एंटरप्राइजेस है उनकी ग्रोथ के लिए नेक्स्ट इज योर रिफॉर्म्स इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये एडवाइस किया गया कि जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है पब्लिक एंटरप्राइजेस के उन्हें सुटेबली उसमें रिफॉर्म किया जाए जो बोर्ड है उसमें प्रोफेशनल्स होने चाहिए वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होने चाहिए पॉलिटिशियंस को आप उसमें अपॉइंट मत कीजिए द नेक्स्ट इज योर एफिशियंट मैनेजमेंट एंड एबल इंप्लाइज जो एफिशेंट मैनेजर्स हैं उनको अपॉइंट कीजिए मैनेज करने के लिए. पब्लिक को और जो अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए वो मेरिट बेसिस पे होनी चाहिए जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है पूरी होल कंट्री में आप उसे स्प्रेड कीजिए ताकि हर एक जो एम्प्लॉय है पब्लिक एंटरप्राइजेस का उसकी एक अकाउंटेबिलिटी जो है वो सेटअप हो पाए। और जो रोमोशंस है वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो ना कि सिनोरिटी के बेसिस पे देन इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उन्हें इंस्पेक्ट किया जाए और उन्हें इंस्पेक्ट करे पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टिमेट्स कमेटी जो गवर्नमेंट है वो सेटअप करे एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस देन ऑटोनॉमी टू पब्लिक एंटरप्राइजेस कंप्लीट ऑटोनॉमी आप दीजिए पब्लिक एंटरप्राइजेस को उनके डे टू डे वर्क में मिनिमम पॉसिबल गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस पॉलिटिशियंस को अपॉइंट मत कीजिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए अकाउंट्स जो है पब्लिक एंटरप्राइज़ेस के वो ऑडिट ऑडिट तीन या चार से बोर्ड्स एस्टेब्लिश किए जाने चाहिए जो अंडर कंट्रोल होंगे कैग के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल जो है देन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट कैपेसिटी जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उन्हें टोन अप कीजिए आप मैनेज uh, इस तरीके से कीजिए कि वो अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका फुल यूटिलाइजेशन कर सके न्यू इंडस्ट्रीज आप तभी एस्टेब्लिश कीजिए जब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है आपकी वो कंप्लीट यूज हो रही है देन नेक्स्ट इज योर कमर्शियल आउटलुक पब्लिक एंटरप्राइजेस को कमर्शियल आउटलुक जो है वो अपनाने की जरूरत है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में और जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके बीच में गवर्नमेंट को ये रियलाइज करना चाहिए कि जो प्राइस पॉलिसी है पब्लिक एंटरप्राइजेस की वो मार्केट फोर्सेस पर डिटरमाइंड हो जो प्राइजेस है प्रोडक्ट्स की जो पब्लिक एंटरप्राइजेस बना रही है वो फिक्स्ड मार्केट प्राइजेस जो है जो मार्केट्स में फोर्सेस प्रिवेल कर रही हैं जो सप्लाई और डिमांड की फोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग मार्केट प्राइसेस जो है वो सेट होने चाहिए और इन केस ऑफ गवर्नमेंट मोनोपोलीज़ जो प्राइसेस है वो उस तरीके से डिटरमाइन हो कि जो लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है उसे इंक्रीज किया जा सके नेक्स्ट इज इन एफिशिएंसी जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें अपना एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज करना चाहिए इसके लिए वो क्या कर सकते हैं प्रॉपर रिसर्च डिपार्टमेंट एक अपना एंटरप्राइजेस में बनाए प्रॉपर इंसेंटिव्स दे फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉइंटमेंट जो हो एफिशिएंसी जो है एंटरप्राइज की उसे करप्ट ऑफिशियल्स को पनिश किया जाए और जो अच्छे ऑफिशियल्स हैं जो रिटर्न आपको दे रहे हैं उन्हें अवॉर्ड किया जाए और जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस जो है उन्हें कम किया जाए। Next is your reforms in policy. जो एफिशिएंट वर्कर्स है उन्हें आप सुटेबली अवॉर्ड करो अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन मैरिट होना चाहिए ना कि आपका पुल और प्रेशर से होना चाहिए कॉर्डियल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में देन वी रिटायरमेंट स्कीम ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम को चेक करने के लिए पब्लिक एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट ने लॉन्च की वॉलंट्री रिटायरमेंट स्कीम 1988 में और एक न्यू वीआरएस स्कीम 2001 में अबाउट 6.27 लाख एम्प्लॉज जो है उन्होंने ऑप्ट किया वॉलंट्री रिटायरमेंट के लिए फ्रॉम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस फ्रॉम अक्टूबर नाइनटीन टू मार्च टू देन है रिवाइवल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कॉन्स्टेंट कोशिश होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि जो सिख पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनको रिवाइव किया जाए उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए और इसके लिए बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जो ये केसेस हैं वो रेफर किए जाने चाहिए फॉर फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट रिवाइवल और रिहेबलिटेशन पैकेजेस नेक्स्ट जो हमारा है उसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच